السلام عليكم आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हर मौका पर यूजफुल होने वाली है आज मैं रमजान स्पेशल में फ्रोजन चिकन दाल के कबाब की, की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही खुश जायका बहुत टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट ये कबाब बनेंगे वो किस तरह बनाए जाते हैं वो कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से परफेक्ट कबाब नहीं बनते क्यों टूट जाते हैं कबाब के अंदर तेल क्यों चला जाता है जिसकी वजह से कबाब टूट फूट जाते हैं बिखर जाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं तमाम राज आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रोजन करने तक पूरा तरीका शेयर करने वाली हूँ आने वाले रमजान के लिए ये रेसिपी बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप भी ये जरूर बनाए तो आज मैं बहुत ही परफेक्ट स्टोर करने का भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए ये अमेजिंग कबाब बनाने के लिए कुछ हम खड़े मसालों को देख लेते हैं दो से तीन स्टिक हम दालचीनी लेंगे चार से पाँच लौंग दो अदद मोटी इलायची दो अदद बादन के फूल एक चम्मच जीरा एक टुकड़ा जयफुल दो टुकड़े जावित्री और साबुत हम गोल मिर्च लेंगे पाँच से सात अदद अभी हम ये ऐड नहीं करेंगे बल्कि ये मसाले हम ग्रेण करेंगे आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम ग्रेंड करके डालेंगे अच्छा जी एक किलो हम चिकन लेंगे आप चिकन के बजाय बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं आधा किलो हम दाल चना लेंगे जो हमने तकरीबन तीन से चार घंटे के लिए भिगो के रख दी थी दाल आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त अच्छे तरीके से फूल गई है दो दत हम प्याज लेंगे जो हमने इस तरह रफली कटिंग कर ली है दो गट्ठी के करीब हमने लहसुन लिया है और दो बड़े साइज के हमने अदरक के पीस लिए हैं जो हमने छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का एक चम्मच भर के एक चम्मच कुटी लाल मिर्च हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच अदरक पाउडर ऐड करेंगे वैसे तो हमने फ्रेश अदरक ऐड कर दी थी लेकिन अदरक पाउडर की वजह से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं एक चम्मच भर के हम नमक ऐड करेंगे नमक आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं जो हमने खड़े मसाले भी ग्रैंड किए थे वो भी हम डाल देंगे अब हम तकरीबन दो गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन और दाल बहुत अच्छे तरीके से गल जाए एक बार हम मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं दाल और चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है लेकिन अभी काफी हद तक पानी इसमें मौजूद है तो अब हम पानी को खुश्क होने तक भून लेंगे साथ साथ हम मिक्स करेंगे क्योंकि ये पतीले की तय में लग सकता है लिहाजा हम इस तरह मिक्स करके भुनेंगे ये कबाब आप बनाकर लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं जब भी जरूरत हो तो फौरन से फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अगर हम बनाकर फ्रीज कर लें तो किसी भी वक्त हमें जरूरत पड़ सकता है तो हम फौरन से फ्राई करके मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं ये देखिए बुनाई करते हुए पानी मुकम्मल ड्रेन हो गया है और बुनाई भी हमने मुकम्मल कर ली है ये देखिए कितने जबरदस्त इसके रेशे नजर आ रहे हैं। अब हम बैटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे ये कबाब का बैटर बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम डालेंगे एक अदद आलू जो हमने बॉईल कर लिया है और अब हम इसमें एक अदद प्याज जो हमने बिल्कुल बारीक छोटा छोटा कटंग कर लिया है और अब हम क्या डालेंगे अब हम डालेंगे सबज मिर्च ये तकरीबन हमने 10 से 12 अदद ली है जो हमने छोटी छोटी कटिंग कर लिए है ये सारी चीजें हमने डाल दी है अब हम हल्का सा मिक्स करेंगे अब हम चॉप करेंगे अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हवन दस्ते के साथ भी कूट सकते हैं। ये हम थोड़ा सा बैटर डालकर चॉप करेंगे कबाब के बैटर को हम बहुत ज्यादा भी चॉप नहीं करेंगे क्योंकि हम ये रेशेदार कबाब बना रहे हैं तो ये हम हल्का सा चॉप करेंगे ये देखिए इस तरह हमने चॉप कर लिया है ये कितना स्मूथ बैटर हमारा रेडी हो गया है इसी तरह हम सारे बैटर को चॉप कर लेंगे ये कबाब के बैटर को हमने मुकम्मल चॉप कर लिया है अब हम इसमें कुछ और हरी चीजें डालेंगे अब हम डालेंगे पुदीने की पत्तियां और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे अब हम मिक्स करेंगे ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इस तरह के ही कबाब बनाए जाते हैं जो खाने में बहुत ही हमें पसंद आते हैं तो आप भी ये घर में कबाब बनाएं और सेव करें अब हमने बैटर को मिक्स कर लिया है अब हम कबाब बनाएंगे दोनों हाथों में हम ऑयल से ग्रीस करेंगे दरमैनी साइज का हम ये बैटर लेकर इस तरह हम गोल करेंगे इस तरह हाथों में हल्का सा प्रेस करेंगे इसको हम गोल शेप में बना लेंगे आप किसी और शेप में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं ये इस तरह हम ये सारे कबाब बना लेंगे ये देखिए हमने ये सारे कबाब बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं। अब हम एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ये देखिए जी कबाब को हमने एक घंटा फ्रीजर में रख दिया था ये काफी सेट हो गए हैं। अब हम कबाब को सेव करेंगे इस तरह हम एयर टाइट डिब्बे में कबाब को रख देंगे जब एक तय मुकम्मल हो जाए तो हम ऊपर बटर पेपर रख देंगे और इसी तरह हम दूसरी तय भी लगा देंगे और तीसरी भी आप कबाब को अपने फ्रिज के मुताबिक जितनी आपके फ्रिज में गुंजाइश है आप उसके मुताबिक ही सेव कीजिएगा ये कबाब आप बनाकर लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं ये हम इस तरह का एक जिप बैग लेंगे कुछ हम इसमें डाल देंगे आप ये कबाब माय रमजान के लिए सेव कर सकते हैं अक्सर ऐसा होता है कि घर में अचानक से कोई गैस वगैरह आ जाए तो ये कबाब आप फ्राई करके दे सकते हैं। अब हम इस तरह मुकम्मल बंद कर देंगे एयर निकाल कर इस तरह हम सारे कबाब्स को मुकम्मल पैक कर लेंगे और कुछ हम कबाब को फ्राई कर लेंगे अब हम दो अदद अंडे लेंगे और चुटकी बार हम नमक ऐड करके फेर लेंगे अब हम अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे आप अंडे के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आप अंडे के बगैर फ्राई करें तो ऑयल बहुत ही कम यूज करें। लेकिन इन कबाब को फ्राई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि सारी चीजें इसमें पकी हुई हैं। अब हम एक तरफ से प्यारा सा कलर आ गया है अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ प्यारा सा कलर आ गया है ये कबाब हमारी रेडी हो गए हैं अब हम निकाल लेंगे इसी तरह हम बाकी के कबाब को भी फ्राई कर लेंगे ये कबाब हरी चटनी के साथ बिरयानी के साथ सर्व करें अगर ये कबाब जितने टाइम के लिए भी आप सेफ करके रखना चाहें तो रख सकते हैं ना ही तो इसका कलर खराब होगा और ना ही टेस्ट तो अगर फाइनली मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ दिए गए आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग हाफिज़